नोटबंदी के बाद पूरे देश में एक अलग किस्म का रवैया नेताओं में भी और पब्लिक में भी देखा जा रहा है। देखिए, नोटबंदी के बाद क्या है कि देश में काला धन वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन राजनीतिक समीकरण बहुत बन बिगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की पूरी तकरार एक तरीके से खत्म हो गई, जो आपसी पारिवारिक तकरार थी। बिहार में नीतीश कुमार ने एक अलग स्टैंड लिया। लालू यादव और कांग्रेस नोटबंदी का विरोध कर रहे थे, लेकिन लालू यादव के खिलाफ जा करके और साफ तौर पे नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, नोटबंदी बहुत अच्छा काम किया मोदी ने और मोदी को प्रेज किया। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र अभिरंजन कुमार। हम इनसे चर्चा करेंगे, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जब ये बिहार के एक टीवी चैनल को हेड कर रहे थे, तो वहाँ इन्होंने और भी कुछ ऐसी खबरें ब्रेक की थी जिससे लगता था कि बिहार की राजनीति पर इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। हम उनसे बात करते हैं। अभिरंजन जी, नीतीश कुमार क्या लगता है, लालू का दामन छोड़ेंगे? लालू का दामन छोड़ेंगे, देखिए ऐसा कहा जा सकता है। मुझे तो लगता है, इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार जो है, जब कभी दुविधा में होते हैं ना, वो बीच बीच का एक रास्ता अपना लेते हैं। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी गठबंधन की सरकार चल रही थी और नरेंद्र मोदी के सवाल पर उनकी तनातनी चल रही थी, बीजेपी से एक तकरार का माहौल था, तो नीतीश कुमार क्या किया करते थे ना कि बीच बीच में कांग्रेस नेताओं की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की या केंद्र की कई योजनाओं को लेकर उसकी तारीफ कर दिया करते थे। और तब भी जब लोग कहते थे कि अरे आप बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और कांग्रेस की सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, तो यही कहते थे कि हम तो भाई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम तो मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन उसके राजनीतिक मायने आपने देखे कि एक दिन उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और दूसरे दिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ गए और आज उसके साथ और लालू यादव के साथ मिलकर वो महागठबंधन बनाकर एक सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आप इस बात को सिरे से खारिज नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ जितनी सहजता है उससे ज्यादा सहजता रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ वो कभी नहीं रहे, एक साल पहले कांग्रेस पार्टी के साथ वो जीवन में पहली बार आए। लालू यादव के साथ वो पहले रहे थे लेकिन थोड़े समय के लिए रहे और फिर साथ छोड़ा, तो 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर एक साल से वो है। तो बीजेपी के साथ वो 17 साल रह चुके हैं। अच्छा, बीजेपी के सारे नेताओं के साथ उनकी यारी है, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली से लेकर जितने भी बड़े नेता बीजेपी के हैं, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम लोगों से उनकी दुश्मनी किससे थी, दो लोगों से, नरेंद्र मोदी से। और चूंकि नरेंद्र मोदी का खासम खास है अमित शाह, इसलिए उनसे आप कह सकते हैं। बट अब देश के राजनीतिक समीकरण हालात बदल गए हैं और देखिए राजनीतिक समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं। और मेरा तो साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीति करते हैं उसमें मुझे लगता है अभिरंजन जी कि नीतीश एक तरफ ये भी बात लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए मैं देश और बिहार और प्रदेश के बारे में ज्यादा सोचता हूं, और इसी लिहाज से उन्होंने एक तरफ विरोध करके बीजेपी का दामन थामा था इनका, आरजेडी का, क्योंकि वो बिहार के विकास पुरुष थे और विकास पुरुष से भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन रही थी। ये अब की परिस्थितियों में हमको लगता है कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि शायद राष्ट्रीय जनता दल वैसी पार्टी नहीं है जिसके साथ उनका लंबा गठबंधन चल सके। तो अब जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि ये अवसरवाद की राजनीति हो गई आजकल, तो राजनीति तो प्रफुल्ल जी अवसरवाद की ही रही है। और नीतीश कुमार जी तो अवसरवादी नेता पहले से रहे हैं, माने जाते रहे, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अवसरवाद का उनका पुराना इतिहास रहा है। जब मन हुआ जेपी आंदोलन में शामिल हुए, कांग्रेस की इमरजेंसी और कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, आज कांग्रेस की गोदी में बैठे, तो अवसरवाद नहीं है। लालू के जगह राज के खिलाफ आंदोलन करके और चुनाव लड़के वो, लेकिन लालू की गोदी में। राजनीति में हम क्या देखते हैं अभिरंजन जी, राजनीति में देखते हैं कि होता क्या है, आमतौर पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग पार्टियां बदलते हैं और पार्टियां बदल के जिस पार्टी का विरोध कर रहे होते हैं उसी पार्टी में फिर शरीक हो जाते हैं। लेकिन हम अभी इधर देख रहे हैं कि लोग गठबंधन में भी उसी तरीके की कार्यप्रणाली, एनडीए के साथ सत्ता में रही, फिर यूपीए के साथ सत्ता में रही, और अभी परिस्थिति ऐसी है कि जब वो फिर एनडीए के विरोध में खड़ी होंगी भारतीय जनता पार्टी का, और अब कहती है कि मैं तो मोदी को जब तक हटाऊंगी नहीं तब तक मैं मर जाऊंगी लेकिन हटाऊंगी। तो ये किस्म की राजनीति हर प्रदेश में हो रही है।
दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है अनुरंजन जी। एक तो यह है कि सत्ता की जो चाहत है वो सभी पार्टियों में रहती है, लेकिन उन लोगों के लिए तो देखिए ये जीने मरने का प्रश्न हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, उनको एनकेएन प्रकार अगर सत्ता हासिल करनी है तो दूसरी चीज यह होती है कि वो क्षेत्रीय जो उनके समीकरण बनते बिगड़ते हैं उसके आधार पर वो अपने फैसले लेते हैं। तो जब वो एनडीए के साथ सरकार में थी, उनको लगा कि भाई हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए, तो वो वहां पर पहुंची। आज अगर वो अपने दम से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकती हैं और चुनाव जीत सकती हैं और मुख्यमंत्री बने रह सकती हैं तो वो इस चीज को अफोर्ड कर रही हैं। अब ये होता है ना कि जब एक राज्य में आपने अपना पुख्ता जनाधार बना लिया, एक राज्य पर आपकी एक छत्र सत्ता कायम हो गई, तो महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुआ कि मुख्यमंत्री 10 साल रह लिए तो उनको लगा मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वैसे ही ममता बनर्जी को भी लगता है। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए छोड़ना उनका उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है? किनकी? नीतीश कुमार की। हाँ, नीतीश कुमार की गलतियों में से एक है ये, तो अब नीतीश कुमार समझ रहे होंगे, हमारे समझने से क्या होगा भाई। अब ये देखिए कि एनडीए के साथ जब उनकी सरकार थी बिहार के अंदर, तो वो दबंग चीफ मिनिस्टर थे, उनकी तूती बोलती थी, सुशील कुमार मोदी जैसा सीनियर लीडर उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, छोटा भाई था। नरेंद्र मोदी को उन्होंने बिहार में एंट्री बैन कर दी और बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं ने भी चू तक नहीं की, कहा कि भाई नीतीश जी आपने जो फैसला किया है वो सब सिर आंखों पर। तो इस तरह का देखिए माहौल था, बड़ी बड़ी पोस्टर छपती थी नीतीश कुमार की, भाजपा के नेताओं का तो उसमें चेहरा तक नहीं हुआ करता था, सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता था। आज क्या हो रहा है, तेजस्वी की तस्वीर छप जाती है, नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो जाती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका कौन है, 25 साल का लालू यादव जी का बेटा। आप ये देखो ना, मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, बट कहां सुशील मोदी, कहां तेजस्वी यादव। तो एक सीनियोरिटी और एक्सपीरियंस के लिहाज से आप देखेंगे तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को ये तो लगता होगा ना कि मैं अपनी कैबिनेट में एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस लोगों को बिठा। आज जिस तरीके से बयान राबड़ी देवी का है, जिस तरीके से उन्होंने सुशील मोदी और नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हमने मजाक किया था, लेकिन जिस तरीके से बहुत ही अमर्यादित बयान था वो, उससे भी ये मुझे लगता है कि अब साफ साफ होने लगा है कि इन दोनों के बीच की तलखी बढ़ गई है। तलखी बढ़ गई है, तलखी तो बढ़ी गई है निश्चित रूप से। देखिए मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जब भी इस तरह का स्टैंड लेते हैं, ऐसा 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 सवाल हम देख रहे हैं कि दर्शक भी कुछ इस किस्म का सवाल कर रहे हैं। प्रशांत ने यही सवाल प्रशांत ने पूछा है, मैं वही कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जब भी इस तरह का स्टैंड लेते हैं तो ये बात तो जाहिर है कि वो दूसरी तरफ उनका रुख हो चुका होता है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस की जब वो तारीफ कर रहे थे तो हम लोग गेस कर रहे थे कि अब ये कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, और बाद में उन्होंने मिलाया। आज वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं तो वो अकारण नहीं कर रहे हैं, और वो भी इस हद तक जाकर कि लालू यादव के एक एक होता है कि सिर्फ बयान दे देना, एक होता है कि बिल्कुल स्टैंड के खिलाफ 180 डिग्री का स्टैंड ले लेना, तो वो चीज उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार की मंशा देखिए साफ है, वो अभी ये कहते रहे नीतीश कुमार कि नहीं हमारा गठबंधन अटूट है, हम लालू यादव जी के साथ हैं, लोग हमारी राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं। कोई उनकी राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहता है, ये नीतीश कुमार जी की अपनी सोची समझी रणनीति है, और वो राजनीतिक हत्या उनकी कोई नहीं करना चाह रहा है, वो राजनीतिक जीवनदान प्राप्त करना चाह रहे हैं। जो उनकी कहीं से किलिंग हो रही है, उनकी जो छवि खराब हो रही है बिहार के अंदर, पहले क्या था नीतीश कुमार मतलब सुशासन बाबू, आज नीतीश कुमार मतलब क्या है जंगल राज का पुरोधा। लेकिन आप जानिए अब आप ये देखिए, सुशासन बाबू और ईमानदार छवि उनकी आज भी बनी हुई है। और हमारे एक दर्शक हैं प्रशांत सौरभ जो अभी ट्रेन में है, वो लिख रहे हैं कि मैं ट्रेन में हूं और बातचीत के क्रम में लोगों का यही कहना है कि नीतीश जल्दी ही भाजपा के साथ जा सकते हैं, और साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि आज के दौर में मोदी की ईमानदारी में टक्कर देने वाले नीतीश कुमार ही हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार की ईमानदारी का ढोल पीटने वाले मुख्य रूप से वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सिंपैथी रखते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन हो। जो लोग लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन नहीं देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार नेता है। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं राजनीति में ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहता हूं। मुझे मालूम है, मैं आपने शुरू में ही कहा कि मैंने बिहार में चैनल चलाया, उसको हेड किया है, और मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, तो मुझे ये पता है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार जो है और एक अणे मार्ग में क्या क्या होता था, ये मैं नहीं कहता था, ये दूसरे पॉलिटिशियंस और उनकी अपनी पार्टी के पॉलिटिशियंस ही बताया करते थे हमें ऑफ रिकॉर्ड। एक बात जो आपने राबड़ी देवी के बारे में कहा अनुरंजन जी, उस पर मैं टिप्पणी इसलिए कर दूं क्योंकि आपने सवाल उठा दिया, ना बोलूंगा तो वो बचकर निकल जाना होगा। ये टिप्पणी अमर्यादित है और मुझे लगता है कि इसको कंडेम करना चाहिए। राजनीति में क्या है ना, हमारा किसी से हमारी दोस्ती हो सकती है, किसी से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए।
राबड़ी देवी अक्सर इस तरह की गलतियां कर देती हैं, मुझे लगता है वो इरादतन नहीं करती, गैर इरादतन वो कर जाती हैं। पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान दिया था, इस बार उन्होंने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। मुझे लगता है कि राबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, लालू यादव जी की पत्नी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मम्मी है, उनको थोड़ा सा अब उठ जाना चाहिए, राजनीति में कम से कम मर्यादा का स्तर तो बजा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए, ये तो होगा कि कोई एक दिन आपके साथ आएगा, कोई एक दिन आपके से अलग भी हट जाएगा। और विरोध की राजनीति तो ठीक है, लेकिन राजनीति का स्तर उतना बना के रखे कि कम से कम फिर आमने सामने, और एक महिला होकर, और एक महिला बीच में महिला को लाना। मैं ये कहता हूँ कि आप सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कह दो, बट सुशील मोदी की बहन को बीच में लाना एक महिला होते हुए, कपिल कह रहे हैं कि अगर ये खेल ना हो तो बातचीत का मजा क्या है, हम कभी मानिक सरकार की बात नहीं करेंगे, ये खेल ही दिलचस्प बनाता है। और दरअसल ये खेल है, क्योंकि भाई सत्ता के लिए नीतीश कुमार का एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ झुकाव, तो ये बहुत ही एक राजनीति का एक खेल हो रहा है। और आप ये बताइए, मैं खेल खेलिए अनुरंजन जी, खेल खेलिए, लेकिन गाली गलौज में, लेकिन मैं एक दूसरी बात, और जनता के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ बिहार मेरा पीछे जा रहा है, नोटबंदी, मैं पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार के इस पूरे रवैये में या इस पूरे कदम में हम ये कहें नोटबंदी कितना बड़ा कारक है? नोटबंदी एक बहाना है, नोटबंदी कारक नहीं है अनुरंजन जी, नोटबंदी एक बहाना है। नीतीश कुमार को तो भाजपा की गोद में जाना है, जो इतिहास में इतिहास में हम पढ़ते हैं तात्कालिक कारण, वही तात्कालिक कारण, उनको कोई बहाना ढूंढना है ना। अगर वो लालू यादव के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मैं कह रहा था आपको कि पहले नीतीश कुमार की चर्चा होती थी कि अपराधियों को जेल में बंद करने का अभियान चला रहे हैं, आज ये हो रहा है कि उनकी सरकार में अपराधियों को जमानत मिल जा रही है, आरोप लगता है कि सरकार ठीक से केस नहीं लड़ रही है, एक आपराधिक छवि का नेता कह देता है कि वो परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री है। तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है, कहां सुशासन बाबू, कहां जंगल राज 2 का प्रवर्तक और पुरोधा। तो ये दोनों चीजों का जो अंतर है, प्लस लालू यादव जी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, वो आज उन्होंने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाया है, कई लोग ये कहते हैं कि वो किसी दिन उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। तो अगर ये महत्वाकांक्षा लालू यादव जी की भी है और नीतीश कुमार जी एक पोजीशन पर हैं, तो कहीं से हितों का देखिए टकराव भी है, और आपस में कान भरने वाले लोग भी होते हैं, और इन दोनों की का राजनीतिक संबंध देखिए पहले भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहा, वो तो एक परिस्थिति जन्य गठबंधन बना, क्योंकि सबके अस्तित्व की लड़ाई थी, सबको अस्तित्व बचाना था, बीजेपी को हराना था, तो सब लोग साथ आ गए। लेकिन इनका गठबंधन कोई बहुत सहज गठबंधन तब भी नहीं माना गया जब इन्होंने महागठबंधन बनाया। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के बीच बहुत तल्खी पहले बढ़ चुकी थी, और मुझे लगता है कि ये गठबंधन देखिए बहुत ज्यादा अगर चलेगा तो मुझे आश्चर्य होगा। देखिए कुल मिलाकर ये दिखता है, और हमने पहले भी कहा था कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और जब उनकी तल्खियां बढ़ी थी, तो हम लोग पहले भी चर्चा करते थे और हमने साफ साफ कहा था कि आने वाले समय में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाएंगे। उस समय भी लोगों को लगता था कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ कैसे जाएंगे, जबकि वो लालू यादव की राजनीति का विरोध करके सत्ता में बने हुए थे। और मोटे तौर पर देखा जाए तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें खुलवाने के लिए सत्ता हासिल की, और दूसरी बार शराब की दुकानें बंद करवा करके अब अपने वाहवाही लूट रहे हैं। शराब बंद करके उन्होंने एक अच्छा काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत बड़ा कदम है खासकर बिहार को आगे ले जाने के लिए। लेकिन क्या बिहार उन हालात में आगे जा पाएगा जिन हालात में अभी है, उन हालात में जा पाएगा जहां अभिरंजन कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग छूट जाते हैं और उनकी राजनीति चल रही है? ऐसे में हमें लगता है कि नीतीश कुमार बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, और शायद अब वो दिन बहुत दूर नहीं जब नीतीश बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकने का मन बनाएंगे। हाँ, एक चीज और अभिरंजन जी, जब वो ये कहते हैं कि कुछ लोग हमारी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, ये कहकर कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं झुक रहा हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई उनकी राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहता है। भाई, आप बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी सरकार के समर्थन में, बीजेपी सरकार के काम के समर्थन में जब खड़े होते हैं, उनके पक्ष में बयान देते हैं, तभी तो कोई कहता है कि आप बीजेपी के करीब जा रहे हैं।
लोग आपका जब पास्ट का इतिहास देखते हैं, जब इतिहास आपका देखते हैं और जब देखते हैं कि कैसे आप बीजेपी के साथ रहकर कांग्रेस की तारीफ करते थे तो उसके क्या राजनीतिक मतलब थे, तो जब उससे कंपैरिजन करके देखते हैं तब लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के करीब जा रहे हैं। जब लोग लालू यादव के साथ आपके मौजूदा संबंधों को देखते हैं तब लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जब लालू यादव की पार्टी की तरफ से लोगों के ऐसे ऐसे बयान आते हैं जिनसे लगता है कि आप असहज हैं, जब पोस्टरों पर से आपकी तस्वीर हटा दी जाती है जिससे लगता है कि आप असहज हैं, जब इस तरह की परिस्थितियां बनती है तब लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी के साथ आप जा रहे हैं ये कोई अभिरंजन कुमार, अनुरंजन झा और कोई तीसरा आदमी नहीं बोलता है, ये आपके बयान से ही पता चलता है कि आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और बीजेपी के साथ आप थे नीतीश कुमार जी, क्यों इस बात के लिए आप इतना परहेज करते हैं? ये देखिए, धर्मनिरपेक्षता एक ढोंग है भारत की राजनीति में, ठीक है इस ढोंग का लोग राजनीतिक लाभ उठाते हैं, लेकिन आप धर्मनिरपेक्ष, अगर बीजेपी सांप्रदायिक है तो आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है नीतीश जी, आप 17 साल उसकी गोदी में बैठे हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का ढोंग तो करना छोड़ दीजिए। और बीजेपी के साथ आप थे 17 साल रहे, तो फिर अगर कोई कहता है कि आप बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात चीज नहीं है, कोई राजनीतिक हत्या नहीं करना चाह रहा है। लोग जानते हैं कि जब आपको लगेगा कि अब मेरी राजनीतिक हत्या हो रही है तब आप राजनीतिक जीवन दान के लिए बीजेपी के पास जाएंगे, तो बीजेपी के पास आपका जाना तो लोग आपके राजनीतिक जीवन दान के तौर पर देख रहे हैं, इसमें राजनीतिक हत्या जैसी कोई बात नहीं होती है। और बिहार में वैसे आपके शुभचिंतक इतने हैं कि कोई आपकी राजनीतिक हत्या नहीं करना चाहता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ अपने संबंधों को लेकर के चिंतित हैं और उसको गंभीरता से सोच रहे हैं कि ये संबंध आखिर कितने दिनों तक चलेगा और आगे कहां तक जाएं। जाहिर सी बात है कि एक किसी दल का विरोध करके जिसने, जिस व्यक्ति ने दो टर्म 10 साल सत्ता चलाई हो वहां पर उसी पार्टी के साथ मिलकर के और फिर राज करना थोड़ा डिफिकल्ट। अनुरंजन जी एक बात, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ भी सहज थे, आप याद कीजिए 2002 के दंगे के बाद रामविलास पासवान बाहर आ गए थे एनडीए की सरकार से, नीतीश कुमार रेल मंत्री बने हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल बने हुए थे, और उस दंगे के एक साल या दो साल के बाद बाकायदा गुजरात में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे और कहा था कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर जाकर भारत की राजनीति में नेतृत्व करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी के साथ भी नीतीश कुमार के संबंध सहज रहे हैं, वो राजनीतिक कारणों से 2008 के बाद उन संबंधों में तलखी आई, कुछ और भी वजह हुई जिनको हम लोग जानते हैं, बीजेपी के भी कुछ बड़े नेताओं ने संभवतः उनको उकसाया था और भी कुछ चीजें हुई थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को लेकर ही नीतीश कुमार को एतराज या दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी कोई बहुत स्थायी नहीं लगती। जब लालू यादव से पैचअप हो सकता है तो नरेंद्र मोदी से भी हो सकता है, और बिल्कुल सही बात है। और नीतीश कुमार को इस एक बिहार की भलाई के लिए एक कदम तो उठाना ही चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर ये सब आम जनता का ये मानना है कि किसी भी हालत में, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, उस हालत में नीतीश कुमार का लालू की तुलना में बीजेपी के साथ जाना शायद बेहतर होगा। और इस पे फिर कल बात करेंगे अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो। नमस्कार।